देश में कोरोना का सबसे बड़ा अटैक, लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस, 24 घंटे में 1185 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 15,69,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक 1,74,308 लोगों की मौत। एम्स के सीनियर डॉक्टरों के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक, कोविड तैयारियों का लिया जायजा, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी रहे मौजूद। डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने एम्स के डॉक्टरों ने रखी अपनी बात, कहा कोरोना चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों में तेजी से फैल रहा है कोरोना, बच्चों से घर के बुजुर्ग हो रहे संक्रमित। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी, मुंबई में रेलवे स्टेशन पर लोगों का जमावड़ा। मुंबई में वैक्सीनेशन के उत्पादन के लिए हाफकिन इंस्टीट्यूट को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, उद्धव ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ और प्रभु गुण गाओ, यही है केंद्र की कोविड रणनीति। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, कोरोना पॉजिटिव संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव, घर में ही करा रहे हैं इलाज। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली नेता हरसिमरत कौर कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट, संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार का फैसला, पीएम केयर फंड से 100 नए अस्पतालों में बनेंगे खुद के ऑक्सीजन प्लांट। गुजरात में कोरोना मरीजों के बीच डॉक्टरों और नर्सों का डांस, मरीजों में खौफ कम करने के लिए डॉक्टर्स की कवायद। कोरोना के तांडव को देखते हुए दिल्ली का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बंद, राजधानी में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का काउंटडाउन, आज 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोमवार तक रहेगा कर्फ्यू। दिल्ली में शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे मॉल, स्पा और जिम, 30 अप्रैल तक रहेंगी पाबंदियां। दिल्ली में कोरोना का तांडव जारी है, 24 घंटे में 112 लोगों की मौत, एक दिन में 16,699 नए मामले आए सामने। दिल्ली पुलिस के जवानों पर कोरोना का कहर, अप्रैल महीने में अब तक 390 पुलिस वाले संक्रमित, पिछले 24 घंटे में 87 पुलिस वाले पॉजिटिव। दिल्ली से नोएडा आने वालों की होगी रैंडम टेस्टिंग, गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास एलवाई का निर्देश, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फैसला। यूपी में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 22,439 नए मामले आए सामने, 114 मरीजों की मौत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, लखनऊ के केजीएमयू और बलरामपुर चिकित्सालय को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाए जाने के निर्देश। यूपी के सीएम योगी के निर्देश, कोविड मरीजों को एडमिट न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज होगी। हरिद्वार कुंभ में कोरोना विस्फोट, 30 से ज्यादा साधु संत कोरोना पॉजिटिव, तमाम साधु संतों का होगा कोरोना टेस्ट। हरिद्वार कुंभ में महामंडलेश्वर की मौत के बाद निरंजनी अखाड़े का ऐलान, 17 अप्रैल को कुंभ खत्म करने का फैसला। यूपी में कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए विधायक निधि देने का फैसला। कानपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भंडाफोड़, यूपी एसटीएफ ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 250 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच फर्जीवाड़े का गोरख धंधा, इंदौर में 400 नकली इंजेक्शन के साथ क्राइम ब्रांच ने एक युवक को किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना महासंकट को लेकर जाहिर की चिंता, कहा अगले 15 दिनों या महीने भर में संकट कितना गंभीर होगा ये कोई नहीं जानता। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए अब सरकार मेडिकल ऑक्सीजन करेगी आयात, सरकार 50,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन इंपोर्ट करेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला, लाल किला और ताजमहल समेत पुरातत्व विभाग के सभी स्मारकों को बंद किया गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 61,695 नए केस सामने आए, कोरोना से 349 मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 8,209 नए केस आए सामने, कोरोना से 50 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में पुलिस की ब्रेक द कोरोना चेन मुहिम जारी है, कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर रहा सन्नाटा, घर से निकलने वालों से सख्ती से निपट रही है पुलिस। एमपी में कोरोना के आंकड़ों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, बीते 24 घंटे में सामने आए 10,000 से ज्यादा नए केस, 15 मरीजों ने तोड़ा दम। दमोह में उपचुनाव प्रचार के दौरान संक्रमित हुए नेता, कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा सहित कई नेता संक्रमित। विदिशा विधायक शशांक भार्गव भी कोरोना संक्रमित, पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए बस्तर में भी सख्ती, 22 अप्रैल तक लागू हुआ लॉकडाउन, कलेक्टर ने अपनी टीम के साथ किया शहर का निरीक्षण। मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से मिली 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, सीएम शिवराज ने दी जानकारी, कहा अस्पतालों में बढ़ाए जा रहे हैं बेड। छत्तीसगढ़ में कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने की सर्वदलीय बैठक, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने दिया पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का सुझाव।
ग्वालियर में शराब के नशे में दो युवकों ने वैक्सीनेशन सेंटर पर उत्पात मचाया, टेबल कुर्सी तोड़ी और डॉक्टर्स की टीम के साथ भी अभद्रता की, दोनों गिरफ्तार। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है, प्रदेश में 6,658 नए पॉजिटिव केस आए सामने, राजधानी जयपुर में आज 848 नए मरीज हुए दर्ज। मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना को लेकर महामंथन, मीटिंग में चिकित्सा मंत्री समेत तमाम अधिकारी रहे मौजूद। राजस्थान में वैक्सीन की कमी पर केंद्र और राज्य सरकार हुई आमने सामने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, कहा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री गलत बयानबाजी की जगह वैक्सीन। पंजाब हरियाणा हिमाचल में कोरोना की रफ्तार फिर बेकाबू, पिछले 24 घंटे में पंजाब में 4,333 नए केस को, हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ 5,858 नए केस आए सामने। पंजाब में होम आइसोलेट हुए मरीजों को मेडिकल किट के साथ मिलेगी फूड किट, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने किया ऐलान। पंजाब में पांचवीं आठवीं और दसवीं के छात्रों को बिना परीक्षा अगली क्लास में किया गया प्रमोट, बारहवीं की परीक्षाओं पर बाद में होगा फैसला। बिहार में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड तोड़ 6,133 मामले, पटना में सबसे अधिक 2,105 केस। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सीएम हेमंत सोरेन सख्त, आज आला अधिकारियों के साथ फिर करेंगे मंथन। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में कोरोना का प्रकोप, एक अधिकारी दो शिक्षक समेत 7 लोग हुए कोरोना संक्रमित, 18 अप्रैल तक सील किया गया परिसर। कर्नाटक में कोरोना का विस्फोट, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,738 नए मरीज, अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मामले।